नमस्कार, सितारों का सफर में आपकी हम सफर। मैं रीमा आनंद आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं श्री गजेंद्र चौहान, आइए उनसे कुछ बातचीत करें। जगजीत सिंह जी के गाए एक गीत की कुछ पंक्तियां हैं। कोई मुझको लौटा दे बचपन के वो दिन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। सच है कि हम सभी अपने बचपन की बातों को कभी भुला नहीं पाते, भूले भी तो कैसे, वो दिन होते ही कुछ ऐसे हैं। मेरे बचपन की बातें जहां तक है, मैं छोटा सा गांव है दिल्ली में खामपुर, जो कि वेस्ट पटेल नगर के पास है, वहां मेरा जन्म हुआ और मेरा बचपन भी वहीं गुजरा। और मैंने स्कूल की पढ़ाई की रामजे स्कूल नंबर 2 आनंद पर्वत दिल्ली में, और उसके बाद बचपन बस उस छोटे से 200 घर का गांव जो है वहीं गुजरा, और जिसको कहते हैं कि अपने आप में सीमित बातें, और घर में जो है पढ़ाई के अलावा और कोई दूसरा मीडिया नहीं था। हम लोगों को यही कहा जाता कि पढ़ो 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 पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई जो है बेसिकली वो आपको ज़िंदगी में आगे ले जाएगी। और घर में फैमिली में जो है हम लोग 4 भाई और 4 बहनें, मैं सबसे छोटा, तो पूरे परिवार का एक लाडला और सबसे ज़्यादा चहेता। लेकिन हमारे फादर जो थे वो यही कहा करते थे कि पढ़ाई जो है उसको इतना स्ट्रांग बनाओ कि जीवन में पीछे मुड़के ना देखना पड़े। तो मैंने पढ़ाई वहीं की, और स्कूल के बाद कॉलेज जाने की एक अजीब सी ललक होती है, पर गजेंद्र जी की डेस्टिनी उन्हें कॉलेज से कहीं और ही ले गई। स्कूलिंग करने के बाद में मैं ट्राई कर रहा था कि किसी कॉलेज, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। कॉलेज में एडमिशन हो भी गया किरोड़ीमल कॉलेज में, लेकिन कुछ महीने करने के बाद में मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में भी अप्लाई किया था, तो वहाँ से कॉल आ गई और वहाँ मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया रेडियोग्राफी में। और करने के बाद में मुझे वहीं से जॉब की ऑफर आई, बट हमारे फादर कहते थे नहीं, आगे स्टडीज़ आगे करना है। तो फिर मैंने उसके बाद बीएससी कंप्लीट किया। बीएससी कंप्लीट करने के बाद में मुझे फिर और शौक था पढ़ाई का, जॉब की ऑफर्स तो आ ही रही थी उन दिनों, क्योंकि मैंने स्पेशलाइजेशन किया था सीटी स्कैनिंग में, और सीटी स्कैनिंग में उस वक्त स्पेशलिस्ट बहुत कम थे, तो मुझे जॉब मिलने की एकदम तैयारी थी। मैंने साइड बाई साइड जॉब शुरू कर दिया ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज में 1979 में, और फिर मैंने आईएएस की तैयारी की सिविल सर्विसेज की, उसमें मैं पास नहीं हुआ। और उसके बाद में फिर मैंने डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया, जो करीब करीब कंप्लीट होने को आया था, मुझे ऑफर आ गया बॉम्बे से एक्टिंग क्लासेस के लिए। कहते हैं कि दूसरों की नकल करना अच्छी बात नहीं होती, पर यह भी सच है कि नकल करने के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। शायद अभिनय के कीटाणुओं ने तभी असर किया होगा उन पर, जब अभी बचपन का दौर चल ही रहा था। मुझे याद है अपने उस छोटे से गांव में कि शायद मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहा हूँगा, तब से जो लोग थे वो मुझे डिफरेंट, जो जैसे रामलीला होती है हमारे गांव में, क्या होता था होली मनाई जाती थी, तो होली से 10 दिन पहले एक फेस्टिवल होता था करीब करीब, वो 10 दिन चलता था। उन दिनों हम क्या करते थे, गाँव के बीच के चौक में जो है ना छोटा सा स्टेज लगा के गांव वाले बुजुर्गों की नकल किया करते थे और छोटे छोटे रोल करते थे। मुझे याद है मेरे ब्रदर पुलिस में थे, मैं उनकी ड्रेस पहन के एक बार कुछ पुलिस वाला बना था, छोटा ड्रेस बहुत बड़ी थी खुली खुली, और मैं पुलिस वाले का रोल किया था मैंने। तो इस तरह से शौक तो बचपन से था, उसके बाद वो कैरी रहा इसमें अपना स्कूल में भी रहा। मैंने स्कूल में श्रवण कुमार का रोल किया था 7वीं क्लास में, और उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था मुझे। उसके बाद में ऑल इंडिया में भी मैं स्टेज कॉम्पेयरिंग करता रहा, स्टेज प्लेस करता रहा, कुछ फंक्शंस ऑर्गेनाइज करता रहा। मतलब आर्ट से जुड़ाव तो था दिमाग में, लेकिन उसकी ओपनिंग नहीं पता थी मुझे कि ये मुझे कैरियर भी बनाना पड़ सकता है कल। तो साइंस स्टूडेंट होते होते आर्ट से जुड़ाव जरूर था मेरा, और शायद जब मुझे ऑफर मिला तो मैंने फिर उसको दोनों हाथों से पकड़ लिया। और जैसे ही मुझे बॉम्बे आने का ऑफर मिला एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करने का, तो मैं फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के 1982 में बॉम्बे चला। ये बात 16 आने सच है
कि दिल्ली दिलवालों का शहर है। यहाँ के हर शख्स में कुछ न कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। दिल्ली के लोग जहाँ भी जाते हैं अपनी काबिलियत का सिक्का जमा ही देते हैं। तो चलिए गजेंद्र जी से जाने कि 1982 में मुंबई की नगरी में पांव रखने के बाद उन्होंने अपने रंग में कैसे रंग डाला सारी मुंबई को। सन 1982 में जब मैं बॉम्बे आया तो बॉम्बे शहर की अपनी कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं जो हर नए आने वाले को फेस करनी पड़ती हैं, मुझे भी फेस करनी पड़ी। जैसे यहाँ पे रहने की जगह की बड़ी प्रॉब्लम है, और जब एक नया लड़का दूसरे शहर से उठ के या कोई भी लड़का या लड़की जब यहाँ आते हैं तो उनको बेसिक्स प्रॉब्लम जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं, खाने की, रहने की, कपड़ों की, ट्रैवलिंग की, उनके बेसिक खर्चे हैं। तो मैंने यहाँ आने के बाद में एक पार्ट टाइम जॉब किया। सबसे पहले तो शाम को जो है मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, वो उससे जो थोड़ा बहुत पैसा आता था उससे मेरी जो है दिनचर्या जो है वो ठीक चलने लगी, ताकि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े या घर वालों से मुझे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना पड़े पैसों के लिए। उसके लिए मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू किया शाम को। और उसके अलावा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एक लाइन है, वो हमेशा मुझे याद रहती है। उन्होंने कहा है कि इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम रिच डोंट अर्न मोर स्पेंड लेस। आप ज़्यादा मत कमाइए, खर्चे कम कर दीजिए। तो मैं हमेशा अपने जो एक्सपेंसेस थे उसको बहुत मार्क करके रखता था। और 1982 में मैं विले पार्ले में पेइंग गेस्ट रहता था। उस वक्त मुझे याद है मैं 300 रुपये महीना देता था, और बाकी जो डिस्टेंसेस थे मैं ऑटो रिक्शा या टैक्सीज अवॉइड करता था, यहाँ तक कि बसेस भी अवॉइड करता था, जहाँ तक हो सके पैदल चलूँ, क्योंकि शरीर में ताकत थी, एक जोश था कि कुछ बन के दिखाना है। तो उसके अलावा जो बेसिक प्रॉब्लम थी वो खर्चों की थी, कि खर्चे जेब में पैसे नहीं है ज़्यादा, लेकिन उनको जो भी पैसा है उसको कितने दिनों तक चलाना है जब तक कुछ बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिले हाथ में, तो उस तरह से मैंने अपने आप को मैनेज किया। प्लस मैं टाइम मैनेजमेंट में बहुत बिलीव करता हूँ कि टाइम पे चीज़ें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बम्बई शहर के बारे में मशहूर है कि सूरज को पकड़ने के चक्कर में सूरज डूब जाता है यहाँ पे। जिंदगी में मेहनत नहीं तो कुछ भी नहीं, और गजेंद्र जी इस बात को मानते हैं, लेकिन वो इस बारे में क्या कहते हैं आइए उनसे जानते हैं। समझदारी और किफायत यदि किसी की जिंदगी में शामिल है तो कोई कारण नहीं कि वो व्यक्ति हार का मुंह देखे। गजेंद्र चौहान जी ने भी अपने आप को और अपने समय को बड़ी अच्छी तरह मैनेज किया। अपने आप को संवारने की प्रक्रिया में गजेंद्र चौहान जी ने अपने जीवन के हर पल को एक नपे तुले तरीके से बांधा हुआ था। इस बात को वो कहते हैं लाइफ या टाइम मैनेजमेंट। आइए उनसे जाने उनकी लाइफ और टाइम मैनेजमेंट के बारे में। मैं डीएन नगर में रहता था, अंधेरी वेस्ट में, और अंधेरी वेस्ट में उस वक्त 1982 में खाने की थाली जो है वो 2.5 रुपए की मिलती थी, और बांद्रा में 2.25 रुपए की मिलती थी, जो कि 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मैं वो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस उस 25 पैसे बचाने के लिए पैदल जाया करता था, और 2.25 रुपए की थाली खा के वापस अंधेरी वापस। तो मैंने वो 25-25 पैसे की अहमियत को समझा, और वो जैसे पाई पाई बचा के मैंने सब कुछ किया। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मुझे याद है कि मैं विले पार्ले ईस्ट से वर्सोवा क्लासेस अटेंड करने जाया करता था, तो वहाँ पे 2 बसेस बदलनी पड़ती थी, 30 पैसा 30 पैसा, 60 पैसा 60 पैसा वापस जाने का, तो 1 रुपया 20 पैसा। तो मैं रास्ते में एक गुप्ता चना भंडार था, मैं वहाँ से 25 पैसे के चने लेता था और खाते खाते अपनी क्लास में पहुँच जाता था। तो मेरा एक रोज़ाना का वो 1 रुपया 20 पैसा भी बचता था। तो मैंने अपने आप को इस तरह से कैलकुलेट किया। ये मैंने किसी को जताने के लिए नहीं किया, मैंने अपने आप को मैनेज करने के लिए किया। या आज मैं अगर अपनी ऑडियंस को या दर्शकों को ये बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा किया, तो किसी पे कोई एहसान नहीं किया। मैंने अपने आप को, अपने कैरियर को बनाने के लिए इस दौर से भी गुजरा हूँ। तो ऐसा नहीं कि हर किसी को यहाँ से गुजरना पड़े, मेरी कोई ऐसी सलाह नहीं है, लेकिन मैंने अपने आप को इस तरह से ढाल के अपने आप को आगे बढ़ाया। जब किसी ने अपने जीवन को इस तरह से साधा हो तो सफलता भला क्यों ना मिले। आग में तपे बिना सोना खरा हुआ है क्या? आइए आप जाने कि गजेंद्र जी के जीवन में एड फिल्म्स और सीरियल्स में अभिनय का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। तो मुझे शुरू में सीरियल मिलने शुरू हुए, राजश्री प्रोडक्शन ने मुझे पेइंग गेस्ट में काम दिया, मुझे 201 रुपया मिला उस सीरियल में काम करने का, पहली बार मैंने जब काम किया। उसके बाद मैंने एक ऐड की,
जिसमें प्रोड्यूसर ने मुझे 101 रुपए दिया, मैं 1983 की बात कर रहा हूँ, और 101 रुपए देने के बाद उसी प्रोड्यूसर ने मेरे से 100 रुपया लोन ले लिया वापस। तो ये कुछ बड़ी अच्छी मूवमेंट्स हैं। उसके बाद मुझे सीरियल मेरे रजनी बासु चटर्जी साहब का, दर्पण, कश्मकश मंजू असरानी का, उसके बाद सिंहासन 32 विद्या सिन्हा का, और फिर बीआर फिल्म से मेरा जुड़ाव हो गया। फिर बीआर फिल्म से मैंने जैसे अपना करियर शुरू किया, एक फिल्म थी आज की आवाज़, उससे शुरू किया। फिर वहाँ पे मनोहर कहानी एक सीरियल बना था, उसमें मैंने काम किया। बहादुर शाह जफर में काम किया, वहाँ की कोई डॉक्यूमेंट्रीज थी उसमें काम किया। एक थ्रिल की एक ऐड थी, वो मैंने की। तो एक कंपनीज मिलती चली गई, उन लोगों को मेरा बिहेवियर या काम करने का पैटर्न पसंद आया, मुझे रिपीट करते चले गए। महाभारत के युधिष्ठिर सत्यवादी, सज्जन और परंपराओं को आदेश की तरह निभाने वाले गजेंद्र जी ने इस किरदार को जीवंत कर दिया। पर्दे पर व्यक्ति गजेंद्र चौहान से किरदार युधिष्ठिर तक का सफर कैसा था, आइए उन्हीं से जानें। महाभारत के बारे में बहुत सारी चीजें हमारे दर्शकों को नहीं पता है, और लोग इंटरेस्ट रखते हैं कि कैसे हुआ था ये सब। महाभारत की स्टोरी जो है या इसका स्क्रीन प्ले जो है 1988 में दूरदर्शन पे आया है, लेकिन इसके पिछले 10 साल से काम चल रहा था इसके ऊपर। वो लोग राइटिंग, स्क्रीन प्ले सब काम कर रहे थे, और जैसे ही इसका पास होने का सिग्नल उन लोगों को मिला तो उन्होंने आर्टिस्टों का चयन शुरू किया। तो सबसे पहली एड जो अखबार के अंदर आई थी कि महाभारतों के महाभारत सीरियल के लिए कलाकारों की आवश्यकता है, ये 1984 में आई थी। 1984 में पहली एड आई, तो हम लोग नए नए थे उस वक्त और टीवी से जुड़े हुए थे, तो हम लोगों ने भी अप्लाई किया, और उसमें से शॉर्ट लिस्ट होते होते एक स्टेज ऐसी आई कि जहां उन्होंने कुछ हजार आर्टिस्ट शॉर्ट लिस्ट किए, कि कुछ लाखों में से, मुझे जहां तक नॉलेज है कि करीब 8 लाख एप्लीकेशन आई थी, उसमें से उन्होंने करीब 8,000 शॉर्ट लिस्ट किए, उनमें हम लोगों का नाम था। उसमें से और शॉर्ट लिस्ट करते करते वो 1500 तक ले आए, उस 1500 में से शॉर्ट लिस्ट करते वो 300 ले आए, वहां तक भी हम लोगों का नाम था। और जब इन बाकी सब लोगों का स्क्रीन टेस्ट हुआ, तो स्क्रीन टेस्ट में से वो लोग ये देखते थे कि एक तो राजा का लुक होना चाहिए, आंखें अच्छी होनी चाहिए, नाक अच्छी होनी चाहिए, एक रॉयल्टी जो है ना पर्सनैलिटी से झलकनी चाहिए, उसकी फिगर, उसका ओवरऑल लुक, वॉक, उसका एक तो संवाद बोलने का जो शैली है कि भाई हिंदी भाषी है कि नहीं है, ये सब चीजें कंबाइंड होती चली गई। और आपको मैं बताऊं कि जब 1986 में महाभारत का मुहूर्त हुआ, 7 जुलाई 1986 को महाभारत का मुहूर्त हुआ था, जो पहला एपिसोड राज बब्बर साहब के ऊपर बना था, उस दिन इसकी शुरुआत हुई थी, उस वक्त मैं कृष्ण की भूमिका के लिए चुना गया था। और कृष्ण की भूमिका उस वक्त ऐसा था कि शायद रामायण से पहले महाभारत टेलीकास्ट होगा, लेकिन किसी कारणवश थोड़ा डिले हो गया, और वो डिले कितना था हम लोगों को नहीं मालूम था। तो उस दौरान मुझे कुछ रीजनल फिल्में मिली, मलयालम फिल्में, तो मैं मलयालम फिल्में करने केरला चला गया, और वहाँ का जो खाना था वो मुझे सूट नहीं किया। वो चावल वगैरह बहुत खाते हैं, लेकिन मुझे 20-20 दिन रहना पड़ता था एक फिल्म के लिए, तो मैंने भी वो थोड़े चावल खाए, तो मेरा वेट बढ़ गया। क्योंकि जब मैं वापस आया तो मुझे रवि चोपड़ा साहब ने ये कहा कि तुम कृष्ण की भूमिका के लिए अनफिट हो चुके हो अभी, क्योंकि एक लुक जो है वो हैवी हो गया है। तो मुझे उन्होंने बलराम में शिफ्ट कर दिया। बलराम के रोल के लिए मैं बहुत सहजतापूर्वक मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि एक मेंटली मैं रेडी था कृष्ण की भूमिका के लिए, बट कृष्ण की भूमिका के लिए वो किसी और की तैयारी कर चुके थे, तब तक नितेश भारद्वाज का भी नाम नहीं था। उसके बाद में बहुत नजदीक जब शूटिंग शुरू हो गई और उनको डेट मिल गई कि अभी महाभारत टेलीकास्ट होने वाला है, उसके करीब करीब 2 महीने पहले मैं रवि चोपड़ा साहब से दोबारा मिला, तब उन्होंने मुझसे कहा कि कौन सा रोल कर रहे हो, तो मैंने कहा मुझे तो बलराम ऑफर हुआ था बट आई एम नॉट हैप्पी, तो उन्होंने कहा वेट। तो उन्होंने मेरा युधिष्ठिर की भूमिका के लिए दोबारा स्क्रीन टेस्ट किया, जो कि रवि चोपड़ा साहब ने देखा, बी आर चोपड़ा साहब ने देखा, डॉक्टर राहिम आसम रजा साहब ने देखा, और फाइनली पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने इसको ओके का सिग्नल दिया, और 17 अगस्त 1988 को मेरा एग्रीमेंट फाइनल हुआ विद बीआर फिल्म्स कि मुझे जो है युधिष्ठिर की भूमिका के लिए फाइनल किया गया है। और करीब 28 अक्टूबर 1988 को मैंने शूटिंग शुरू की। महाभारत के अलावा
मेरे जीवन साथी, बागबान, अंदाज तुमको न भूल पाएंगे, बिल्ला नंबर 786, तपिश होगी प्यार की जीत, इंटरनेशनल खिलाड़ी, धर्मकर्म, विश्व विधाता, हम सब चोर हैं, आदि कितनी ही फिल्में हैं जिनसे जुड़ा है गजेंद्र जी का नाम। इन सब में सफलतापूर्वक अपने किरदार को निभाने का श्रेय वे किसे देते हैं, आइए उन्हीं से जाने। देखिए, सफलता का मापदंड जो है वो अलग अलग है हर इंसान के लिए। मैं इसे अभी भी अपनी पूर्ण सफलता नहीं मानता हूँ, सफलता का एक अंश है जो मुझे मिला। इसमें मैं अपने परिवार को बहुत बड़ा हिस्सा मानता हूँ इस सफलता के पीछे। मेरी पत्नी है, मेरे माता पिता, मेरा बेटा, इसने भी बहुत कुछ सहन किया मेरी सफलता के पीछे। उसका कारण ये रहा कि हम इसको वो टाइम नहीं दे पाए जो हमको देना चाहिए, लेकिन इतना समझदार बच्चा है कि वो खुद समझता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे लिए कर रहे हैं, तो हम लोग इसको वो टाइम नहीं दे पाते जो एक आम माता पिता जो है शाम को घर आ जाते हैं उसे देते हैं, ताकि, लेकिन फिर भी हम लोग खुश हैं इससे और इसकी सफलता से, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा कर रहा है अपनी स्टडीज में। मेरी सफलता के पीछे मेरी पूरे परिवार का हाथ है, क्योंकि इस भाग दौड़ में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप खुद नहीं कर सकते, तो मेरे परिवार ने की और मेरा परिवार जुड़ के मेरे साथ रहा इस दौरान, तो मेरे ख्याल से इस सफलता का ज्यादा श्रेय जो है परिवार को ज्यादा जाता है। ये सही है कि जीवन की गाड़ी को चलाने वाले पर निर्भर करता है गाड़ी में बैठे लोगों का मंजिल तक पहुंचना। यदि परिवार सुखी है तो जाहिर है कि उसकी गाड़ी के दोनों पहिए मिलजुल कर आपसी तालमेल बैठाए हुए हैं। हमने कुछ पल बिताए गजेंद्र जी की पत्नी, जो एक सुघड़ पत्नी होने के साथ साथ एक कोरियोग्राफर यानी नृत्य निर्देशिका भी हैं, श्रीमती हबीबा रहमान। साथ ही हम मिले उनके पुत्र से भी। आइए श्रीमती हबीबा रहमान से जाने उनके विचार। इनका मॉरल सपोर्ट मुझे बहुत मिल जाता है, और आजकल मोबाइल फोन की वजह से एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, चाहे मैं कितनी भी अलर्ट हूँ या मैं मर्दों जैसा काम करती हूँ, लेकिन हर औरत को एक ना एक जगह महसूस होता है कि नहीं, इस वक्त मेरे हस्बैंड होते तो ये काम यूँ हो जाता। तो इंसान को हमेशा ये महसूस होता है कि वो एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। मुझे तो बहुत होता है, जब तक ये बॉम्बे रहते हैं, आउटडोर नहीं होती है शूटिंग, तो मैं अपने आप को क्वीन समझती हूँ, कुछ भी काम हो तो बहुत इजी समझ लेती हूँ, लेकिन जैसे ये आउटडोर चले जाते हैं तो कुछ बाबा का कॉलेज का है या इसे कुछ रिक्वायरमेंट है, इसे फिल्म देखने जाना है दोस्तों के साथ, तो फिर मुझे ये टेंशन रहता है कि नहीं, अगर मैं भेज दूँ और खुदा ना खास्ता वहाँ कुछ हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी, आके इसके डैडी मुझसे ही पूछेंगे कि तुमने क्यों भेज दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें बच्चे के लिए जब कोई चीज़ की डिसीजन लेनी होती है तब मुझे उनकी बहुत ज़रूरत होती है। हर चीज़ वो भी मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं कि बाबा यहाँ जाना चाहता है क्या करें। बहुत सारे ऐसे काम हैं, छोटे मोटे घर के भी होते हैं, लैंप ख़राब हो गया, एसी नहीं चल रहा है, मैं इन्हें फ़ोन करती हूँ। तो जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं जो एक साथ अगर मिलके चले तो जिंदगी की गाड़ी बहुत आराम से चलती है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इनकी पत्नी हूँ, और लोग मुझे अपने नाम से तो जानते हैं कि भई ये कोरियोग्राफर हैं, लेकिन पब्लिक, आम पब्लिक में मैं इनकी पत्नी के नाम से जानी जाती हूँ, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। जहाँ एक ओर समझदारी थी तो वहीं दूसरी ओर भक्ति भी। गजेंद्र चौहान जी हनुमान जी के बड़े भक्त हैं। अपनी आस्था और विश्वास में डूबा उनके जीवन का एक पल कुछ ऐसे बीता था। एक्चुअली इस शहर में हर रोज जो है अपने आप में एक याददाश्त बनता चला जाता है। मुझे एक दो पल ऐसे याद हैं अपनी जिंदगी जो बहुत गहराई से मेरे ऊपर एक ऐसी छाप छोड़ गए हैं। एक तो मैंने जब स्ट्रगल, जिस दिन 21 मई 1983 को जो मैंने पहला दिन स्ट्रगल शुरू किया था, बांद्रा स्टेशन के ऊपर हम लोग कुछ दोस्त जो है वो फास्ट ट्रेन पकड़ने के चक्कर में ट्रैक पार कर रहे थे, और मैं ट्रैक के बीच में खड़ा हुआ था और किसी दोस्त को दूसरी तरफ से पुकार रहा था,
और मुझे नहीं मालूम था पीछे से ट्रेन आ रही है। मुझे आज तक याद नहीं है कि मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर कब आया, कैसे आया, और वो लॉस ऑफ मेमोरी है मेरे दिमाग में से कुछ सेकंड्स आउट है। मुझे आज तक याद नहीं है कि वहाँ खड़े रहने के बाद मैं ऊपर कैसे आया, आज तक याद नहीं है। तो शायद मेरी भक्ति उस वक्त काम आई, जिसको हनुमान जी को मैं पूजा करता हूँ, उन्होंने शायद मेरी मदद की होगी। जिंदगी में सबको कुछ अच्छा लगता है और कुछ अच्छा नहीं लगता। आइए गजेंद्र जी से जानें कि उन्हें क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा। जैसे कि दिन के बाद रात, स्याह के साथ सफेद, सुख के साथ दुख जुड़ा है, वैसे ही जुड़ी है पसंद के साथ नापसंद। आइए गजेंद्र जी से जानें कि क्या है उन्हें पसंद और क्या नापसंद। मैं ये महाभारत के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन पहले से जो है झूठ से बहुत नफरत करता हूँ। कि कोई इंसान मुझे सच्चाई से आके कुछ कह दे तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हाँ ये हो सकता है, कोई गलती भी हो जाए तो मुझे कह दे। जैसे मेरे पिताजी कहा करते थे कि अगर कोई मर्डर करके आए और मुझे बता दे कि मेरे से मर्डर हो गया, तो मैं उसे बचाने की कोशिश करूंगा क्योंकि उसने सच बोला। और अगर कोई कुछ भी ग्लास भी तोड़ दे और झूठ बोले कि मैंने नहीं तोड़ा, तो मैं उसका मर्डर कर दूं। शायद वो कुछ एटीट्यूड मेरे अंदर भी है कि मुझे झूठ से बहुत नफरत है और सच्चाई से बहुत प्यार है। मुझे चोरी से बहुत नफरत है। हालात इंसान के अलग अलग हो सकते हैं, शायद हालात ने उस चीजों को कराया होगा, समय ने कराया, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना या ना करना तो वो तो इंसान के बस में है। तो ये दो तीन चीजों से मुझे बहुत ज्यादा नफरत है और इसके अपोजिट जो है बहुत प्यार है। बचपन से लेकर आज तक एक सदे हुए नट से जिंदगी की महीन रस्सी पर बिना डगमगाए चलने वाले गजेंद्र चौहान जी का क्या कहना है समाज से? संदेश यह है कि जीवन के किसी भी मोड़ पे हार नहीं माननी चाहिए, पहली बात तो। और दूसरा यह है कि आप मेहनत से काम कीजिए, लगन से काम कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ उस मेहनत और लगन में आपकी ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। किसी को बगैर बताए या किसी को बगैर दिखाए कि मैं ये कर रहा हूं, आप अपनी ईमानदारी से काम कीजिए, लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा। डगमगाए चलने वाले गजेंद्र चौहान जी का क्या कहना है समाज से? संदेश यह है कि जीवन के किसी भी मोड़ पे हार नहीं माननी चाहिए, पहली बात तो। और दूसरा यह है कि आप मेहनत से काम कीजिए, लगन से काम कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ उस मेहनत और लगन में आपकी ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। किसी को बगैर बताए या किसी को बगैर दिखाए कि मैं ये कर रहा हूं, आप अपनी ईमानदारी से काम कीजिए, लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका मुकाम या आपकी पोजीशन बन जाएगी तो लोगों को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आपने कितनी मेहनत इसके पीछे की होगी। तो वो जो ईमानदारी है काम के प्रति, वो होना बहुत जरूरी है। अब क्या कहें क्या ना कहें, कहने को बहुत कुछ है, कहीं कुछ कहने की मर्जी है, कहीं शोर बहुत चुप है। गजेंद्र चौहान जी से कहते सुनते वक्त कब चुपके से सरक गया मालूम ही नहीं हुआ, पर उनसे और उनके परिवार से मिलकर दिल ने सिर्फ यही की दुआएं कि जमीन से जुड़े रहकर भी वे और ऊंचे उठें और सुख पाएं, यही है हमारी दुआएं।